अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ आपको दोस्तों कि मात्रा याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए कौन सी मात्रा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। यहाँ का जो मात्रा है, यहाँ आकार की मात्रा है, यहाँ इसमें जो है ईकार की मात्रा है, इसमें भी ईकार की मात्रा है, इसमें देखिए उकार की मात्रा इधर है। यहाँ से देखिए मैं मात्रा सीधा लिखते जाता हूँ ताकि आप समझें। यहाँ एकार की मात्रा, यहाँ देखिए अकार की मात्रा, देखिए देखिए ओकार की मात्रा है, फिर देखिए औकार की मात्रा, फिर देखिए आह की मात्रा, अंग की मात्रा, और यहाँ विसर्ग वो आह की मात्रा बोलते हैं। अब ये मात्रा को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको आता है तो आप ख अगर भी जानते हैं तो सारा सेट कर सकते हैं, यानी क ख ख ग में जितने भी 36 आपको वर्णमाला में आप दिखेंगे उस सब में जो है यही मात्रा को सेट करना होता है। जैसे देखिए यकार की मात्रा है, ये हर्ष बोलते हैं, ठीक है। हर्ष 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 बोलते हैं, हर्ष होता है, हर्ष एक हर्ष हर्षाई कार बोलते हैं एक्चुअली, तो हर्षाई हर्षाई है, ये दीर्घाई है, यानी दीर्घ दीर्घ ईकार की मात्रा है, हर्ष ईकार की मात्रा, दीर्घ ईकार, ये देखिए हर्ष उकार की मात्रा, दीर्घ उकार की मात्रा, फिर ए की मात्रा है, ये अ की मात्रा है, यहाँ ओ की मात्रा है, यह ओ की मात्रा है, ये अन्न है, और यह विसर्ग को अह बोलते हैं। तो इसी मात्रा को जैसे मालिक क से लेके जगर ज्ञा तक आपको आता है तो सभी में जो है सेट कर देना। पहला में नहीं लिखना होता, बाकी सब में बारी बारी से इसी को लिखते जाना है। पहले आकार, फिर ईकार, छोटी कार, बड़ी कार, छोटी उकार, बड़ी उकार, ए ऐ ओ औ अन अ, इसका इंग्लिश क्या होगा ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश इस तरह से है, और इसे अब यहाँ इसे भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि के का क्या होता है, का के ए, की का के आई, के डबल बड़ी की का के डबल ई, के छोटी कू का के यू, के डबल ओ, के का के, कै का के आई, को का को, के औ का कौ, के एन का कन, के ए का क। फिर से देखिए कैसे मात्रा के अनुसार बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं देंगे, आकार की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, छोटी कार की मात्रा के लिए दोस्तों आई लगाएंगे, बड़ी कार की मात्रा के लिए डबल ई लगाते हैं, छोटी उकार की मात्रा के लिए जो है यू लगाएंगे, बड़ी उकार की मात्रा के लिए तो उकार की मात्रा के लिए दोस्तों बड़ी उकार की मात्रा के लिए डबल ओ, ए कार की मात्रा के लिए तो ए कार की मात्रा जो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ए कार की मात्रा, तो इसे ए कार की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, आय कार की मात्रा के लिए ए ऐ, इसे याद कर लीजिए, ओ कार की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, और ओ कार की मात्रा के लिए ए यू, अन की अन जो है इसके अन की मात्रा के लिए जो है दोस्तों ए एन लिखेंगे, और अ के लिए जो है ए एच, इसे आप कॉपी पे लिख लें, याद कर लें। बस जितना भी अगर आपको क से लेकर ज्ञ तक का यानी कि इंग्लिश आता है लिखने, तो बस यहाँ पर ये वाला जो ए आई डबल ई यू यू डबल ओ ई ए आई ओ ए यू ए एन अ ए एच सबको बारी बारी से लिख देंगे तो हिंदी से जो आप हिंदी लिखेंगे उसका इंग्लिश भी बहुत इजीली हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों चलिए देखते हैं डिटेल में कि हो सकता है आप नहीं समझ पाए, तो देखेंगे आगे कैसे बढ़ते हैं। चलिए ख देखते हैं, ये तो पहले एक बार देख लीजिए फिर से, का के ए, की का के आई, की का के डबल ई, को का के यू, को का के डबल ओ, के का के ई, के आई का के आई, को का के ओ, को का के ओ, के यू, कन का के एन, कह का के एच, अब देखा का के ख खा, की कू कू, के कै को कौ कन का। मैंने बार बार नहीं पढ़ा हर्ष हर्षई दीर्घाई, क्योंकि अगर उस तरह से पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो क्या होगा कि बहुत लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में सही पढ़ा जाता है ख ख ख पर पाई खा ऐसे पढ़ते हैं, ख आकार खा, खी हर्षई दीर्घाई की इस तरह से, लेकिन इस तरह से पढ़ने से क्या होगा कि समझ में कम आएगा। तो सीधा सीधी पढ़ेंगे ख, दिमाग में लिख रखना है कि पहले इधर से छोटी इकार की मात्रा होगा, फिर इधर बड़ी इकार की मात्रा होगा, फिर छोटी इकार की मात्रा, फिर बड़ी इकार की मात्रा, फिर यहाँ ए ऐ ओ अन अ, तो यहाँ जो चार जो है इसी चार में जो है थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और लिखते समय इसे हमेशा ध्यान रखेंगे इसका।
क्रम में होना चाहिए। अब इसे इंग्लिश में देखिए, ख को केच बोलते हैं तो के से ख होता है, बस ए लगा देंगे तो खा, के से खा, के एच आई से खी, के डबल के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच आई से खै, के एच ओ से खो, के एच ए यू से ख, के एच ए से खन, के एच ए से ख। याद रखिएगा जितना कोई भी शब्द इससे छूटा हुआ नहीं, अगर हिंदी से इंग्लिश में यानी किसी का नाम लिखा जाए तो कहीं से कुछ छूटा हुआ नहीं रहेगा आपको, मतलब सब कुछ लिख लेंगे आप आसानी से। आप देखिए यहाँ पे पहले ग पर देखते हैं, ग गा गी गी, गु गु, गे गए, गो गो, गन ग। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जी से ग, जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जे जी ए आई से गए, जे जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जे ए जी ए एन से गन, जे सॉरी जी ए एस से ग। अब घ का देखते हैं, घ घा, घी घी, घु घु, घे घय, घो घ, घन घ। दोस्तों ये है इंग्लिश में ऐसे होगा, घ का होता है अंग्रेजी जी एच, जी एच ए में ए जुड़ गया, घा जी एच आई घी, जी एच डबल ई घी, जी एच यू घू, जी एच डबल ओ घू, जी एच ई घे, जी एच ए आई घय, जी एच ओ घो, जी एच ए यू घो, जी एच ए एन घन, जी एच ए एच, जी एच ए एच घ घ। या ठीक है, अब देखिए अंगा का यूज़ बहुत विशेष नहीं होता है, संस्कृत में होता है लेकिन फिर भी आप जानने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अंगा का बिंदु, यहाँ पर ड के बगल में बिंदु दे तो अंगा हो जाता है, अंग अंगा, इंगी इंगी, अंगु अंगु, इंगे अंगे, अंगो अंगो, अंगन अंग। ठीक है, अब इंग्लिश कैसे लिखे हैं अंगा का, एन जी होता है, एन जी से अंग, एन जी ए से अंगा, एन जी आई से अंगी, एन जी डबल ई से अंगी, एन जी यू से अंगू, एन जी डब्लू से अंगू, एन जी ई से अंगे, एन जी ए आई से अंग, एन जी ओ से अंगो, एन जी ए यू से अंगो, एन जी ए एन से अंग अंग, एन जी ए एस से अंग। दोस्तों ये था क से लेकर कहाँ तक, अंग तक का 12 खड़ी का ये 5 जो है 5 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5-5 करके यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। अब देखिए अंग के बाद च आता है, छ चा, ची ची, चू चू, चे चै, चो चौ, चन च। बस कहाँ क्या करना है दोस्तों, यहाँ ए लगाना है, ये जो मात्रा है, यहाँ पर आई लगाना है, डबल ई लगाना है, यू लगाना है, डबल ओ लगाना है, ई लगाना है, ए आई लगाना है, ठीक है, ओ लगाना है, ए यू लगाना है, और इसके बाद ए एन, यहाँ पर ए एन लगाना है, और यहाँ पर ए एच लगाना है। तो इस तरह से क्या होगा कि, लेकिन अब तो जानना होगा कि चा का क्या होगा अंग्रेजी, तो चा का जो अच्छा का अंग्रेजी में सी एच लिखते हैं, च सी एच एच आ, देखिए ए लगा दिया, सी एच आई से ची, ई यहाँ देखिए डबल ई, सी एच डबल ई से ची, यहाँ ऊपर देखते जाएगा सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चै, सी एच ए से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच एन से चन, सी एच ए से च। कितना ईजिली है दोस्तों, सब में ए आई ए आई डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ए ओ ए एन सॉरी ए यू ए एन और ए एच जोड़ते चलेंगे। अब देखिए छ है, छ छा छा, छी छी, छू छू, छे छे, छो छो, छन छ। सिंपल है, सी एस सी डबल एस से छ, सी डबल एच ए से छा, सी एच सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच ओ डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छ, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छो, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए से छ। अब देखते ज ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जौ, जन ज। इंग्लिश में क्या बोला, बस ए आई सब जोड़ते जाना है, जे हो जाएगा,
इसके बगल में जे से जा, जे आई से जी, जे डबल से जी, जे यू से जू, जे डबल से जू, जे से जे, जे ए से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ, जे एन से जन, जे ए से जा। अब चलिए झ का आता है, झ का क्या होगा, बस इसी में चला देना है, झ झा झी झी झू झू जे जय झो झ झन झ। तो झ का देखिए, जे जे से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से जी, जे एच डबल से जी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से, जे एच ए आई झ, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झ, जे ठीक है, जे एच, जे एच ए यू से झ, जे एच ए एन से झन, जे एच ए से झ। बहुत ईजी याद रखिएगा दोस्तों। अब झ झ के बाद देखिए, यह भी संस्कृत के, संस्कृत वाले शब्दों में ज़्यादा आता है, हिंदी में बहुत कम यूज़ होता है, फिर भी जानना जरूरी है। नाम पता लिखने में इसका कहीं कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उच्चारण में कहीं शायद आ जाए, आपको मिल जाए। जैसे देखिए, इया इया, ई ई, यू यू, ए ए, ए एव एव, न्या। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो समझिए कि कैसे यूज होगा। इसका वाई एन होता है, या वाई ए एन से या, वाई एन आई से ई, वाई एन, वाई एन डबल से ई, वाई एन यू से यू, वाई एन डबल से यू, वाई एन ई से ए, वाई एन ए आई से ए आई, वाई एन एस यू, वाई एन ए यू से यू, वाई ए, वाई एन ए से एन, वाई एन ए से या। तो दोस्तों ये था च से या तक का संपूर्ण 12 खड़ी में, यानी कि 5 10 हो गया, 5 पिछला, 5 इधर, 10। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह को ट होता है, ट टा टी टी, टू टू टे टे, टो टो टन ट। तो दोस्तों टी ए से ट, टी ए से टा। अब यहाँ पे लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ए आई डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ओ ए यू ए एन और ए एच, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब देखिए, टी से टी, टी से टा, टी से टी, टी डबल से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी से टे, टी ए से ट, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टन, टी ए, टी ए से ट। अठा तो अठा देखते हैं, ठ ठा ठी ठी, ठू ठू ठे ठे, ठो ठो ठन ठ। अब देखिए इसी में ए आई ई डबल ई यू डबल ओ ई अगर वगैरह सब लिखेंगे, लेकिन ठ का क्या होगा, ठ का होगा टी ए से ठ, टी एच ए से ठ, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच आई से ठ, टी एच ओ से ठो, टी एच यू से ठ, टी एच एन से ठन, टी एच ए से ठ, टी एच ए से ठ। अब ठ के बाद ड, देखिए ड डा डी डी डू डू डे ड डो डो डंडा। दोस्तों डी से ड, डी से डा, डी से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी से डे, डी ए से डै, डी ओ से डो, डी ए यू से डाओ, डी एन से डन, डी एच से ड। ड के बाद ढ देखते हैं, ढ हो जाता है ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढ ढो ढ ढन ढ। बस इसी में एच लगा देंगे, हो जाएगा दोस्तों डी वाले में। तो डी ए से ढ, जैसे यहाँ देखना डी, तो यहाँ एच जा गया, ढ हो गया, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच आई, डी एच ए आई से ढ, डी एच ए से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए से ढ। अब देखिए न अण है, अण बोलते हैं, ठीक है, न को अण, अण इस तरह से उच्चारण किया जाता है, अण आ ऋी ऋणी णु ऋ णे ऋ णो णव ऋण ण। इंग्लिश बहुत सिंपल है, एन ए सेणा, एन ए सेणा, एन ए सेणी, एन डबल सेणी, एन यू सेणु, एन डबल सेणु, एन ई सेणे, एन ए आई सेण, एन ए सेणो, एन ए सेणो, एन एन सेना, एन ए सेना। मैं आपको सलाह दूंगा कि ना ज़्यादा उच्चारण कर जाता है बेस्ट होगा, क्योंकि इस तरह से शुद्ध उच्चारण करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही घाल मेल हो जाता है। तो खैर इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए सेम इंग्लिश, ठीक है, यहाँ टी टी एस से ठ, डी डी एस से ढ, एन से ना,
सेम इंग्लिश अगले स्लाइड में चलेगा, मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ट ठ ड ढ न नहीं होगा, बदल जाएगा, वो तथा तथा न धा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने देखा ट से ण तक 15 हो गया ना, 12 खड़ी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तो ता पहले लिख लेते हैं ए आई सॉरी डबल ई यू डबल ओ ई, ठीक है, ए ओ ओ है ए यू ए एन और ए एच। देखिए टी हो गया, ध्यान देखिएगा टी से त, टी से त, पिछला साइड मैंने बताया था आप देख रहे होंगे, उससे ही इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं है। टी टी एस ए टा टी एस ए टी टी डबल से टी टी एस ए टू टी डबल से टू टी एस ए टे टी एस ए टा टी एस ए टो टी एस ए टाओ टी एस ए टन टी एस ए ट। अब देखिए थ थ था थी थी तू तू ते तय थो थाओ थन था। बस टी अब यहाँ टी है तो यहाँ जुड़ गया, टी एस ए थ टी एच ए से था टी एच आई से थी। ठीक है, टी एच से था टी एच ए से था, यहाँ पर भी देखते जाएंगे दोस्तों, टी एच आई से थी टी एच डबल ई से थी टी एच यू से थू टी एच डबल ओ से थू टी एच ई से थे टी एच आई से टी, देखिए यहाँ भी ई है, टी एच ई से थे टी एच आई से था टी एच ओ से ठो टी एच यू से थो टी एच एन से ठन टी एच ए से थ। अब देखिए द, देखिए द दा दी दी दू दू दे द दो द दन द। दोस्तों डी से ड, डी से डा, डी से डी, डी डबल से डी, डी से डू, डी डबल से डू, डी से डे, डी आई से ड, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी एन से डन, डी ए से ड। उसके बाद देखिए ध देखते हैं, ध ध हो गया, धा धी धी धू धू धे ध धो ध धन ध। तो दोस्तों डी एस से ध, यहाँ डी में एच से जुड़ गया, डी एस से ध, डी एच ए से धा, डी एच एस आई से ढी, डी एच डब्ल्यू से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डब्ल्यू से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढ, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच एन से ढन, डी एच ए से डी एच ए से ढ। देखिए न न न नी नी नू नू ने न नो न नन ना, इंग्लिश सेम हो जाएगा, एन से न, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल से नी, एन यू से नू, एन डबल से नू, एन ई से ने, एन ए आई से न, एन ए से नो, एन ए यू से न, एन एन से नन, एन ए से ना। दोस्तों यहाँ त से लेकर न तक आपने देखा, तो दोस्तों मैं सरसरी आप इसे देखिए टी टी एस डी डी एच एन, ठीक है, सेम देख लीजिए, सेम पिछले स्लाइड में मैं दिखा था आपको। अब देखिए यहाँ पर टी टी एच डी डी एच एन, तो सेम है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हो गया 20 हो गया दोस्तों। चलिए प देखिए, प पा पी पी पू पू पे प पो प पन प, स्पेलिंग यही होगा दोस्तों, ए यहाँ होगा, यहाँ आई, यहाँ ई, यहाँ यू, यहाँ डबल ओ, यहाँ ई, यहाँ पर ए आई, यहाँ पर ओ, यहाँ ए यू, यहाँ ए एन और यहाँ पर ए एच, ऐसा मात्रा वैसा लगेगा। जैसे पी से प, पी ए से पा, पी ए से पी, पी डब्ल्यू से पी, पी यू से पू, पी डब्ल्यू से पू, पी से पे, पी ए से पे, पी यू से पो, पी ए यू से पन, प पन प, ठीक है, पी एन से पन, पी ए से प। अब देखिए के बाद, इसके बाद है दोस्तों फ प फा फी फी फू 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 पे फ फो फ पन फ, बस पी एच इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए फ फा फी फी फू फू फे फ फो फ पन फ, जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज़ लिखा है, थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे ताकि आप सीख पाएंगे। अब देखिए बी से क्या होता है, बी बी ब देखिए प फ ब ब बा बी बी बू बू बे बै बो ब बन ब। दोस्तों यहाँ देखिए बी से ब, बी ए से बा, बी ए से बी, बी डबल से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी से बे, बी ए से बै, बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी एन से बन, बी ए से ब।
उसके बाद भ देखते हैं, भ भाभी भी भू भू भे भय भो भव भन भ। इंग्लिश सेम है, इसमें एच जा गया, बी एच से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डब्ल से भी, बी एच यू से भू, बी एच डब्ल से भू, बी एच ई से भे, बी एच आई से भय, बी एच ओ से भो। ठीक है, देखते हैं बी एच, यहाँ देखिए ए है, आई है, ई ऊपर देखिए, डबल ई है, यू डबल ओ ई ए आई बी ओ। अब यहाँ देखिए ए यू है, भ बी एच से भन, बी एच ए से बी एच ए से भ। दोस्तों अब देखिए लास्ट इसमें से म, म म है, मा है, मी है, मी है, मू मू, मे मै, मो मो, मन म। इंग्लिश सेम आ जाएगा, मतलब अलग है, एम से म होता है तो एम, एम ए से मा, एम आई से मी, एम आई एम डब्ल से मी, एम से म, एम ए से, एम ए से मा, एम आई से मी, एम डब्ल से मी, एम यू से मू, एम डब्ल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से मै, एम ओ से मू, एम ए यू से मऊ, एम ए से मन, एम ए से माँ। दोस्तों फिर से आपने यहाँ देखा प से लेके म तक, ये 25 आपने देख लिया बार खड़े में। अब देखिए य से य, या, यी, यी, यू, यू, ए, या, यो, यो, यन, या। दोस्तों वाई क्या, वाई में से य होता है, वाई से या। अब यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी समझ पाए, लिखने को सीख जाए। अगर ये लिख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का हिंदी से अंग्रेजी लिखते समय, किसी का नाम लिखते समय कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूँगा ताकि उसका यूज भी आप सीख पाए। ठीक है, तो इधर यहाँ पर देखें 12 खड़ी पूरा डिटेल में। तो दोस्तों ये देखिए वाई से य, वाई से या, वाई से वाई, आई से ई, वाई डबल से डबल ई, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई ओ से ओ यो, वाई से यो, वाई एन से एन, वाई ए से या। अब देखिए र, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, रो, रन, र। आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डब्ल्यू से री, आर यू से रू, आर डब्ल्यू से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, 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 आर एन से रन, आर ए से रा। उसके बाद ल है, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लै, लो, ल, लन, ल। क्या हुआ दोस्तों, एल से ल, एल से ला, एल आई से ली, एल डबल से ली, एल ई से लू, एल डबल से लू, एल ई से ले, एल ए आई से ल, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल एन से लन, एल ए एस से ला। ला के बाद देखिए वह है, वह, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वे, वो, वह, वह, वन, वह। इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, तो देखिए डब्लू भी आप लिख सकते हैं और वी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। कभी कभी डब्ल्यू यूज होता है, कभी कभी वी को यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ वी लिया है, वी डब्ल्यू दोनों सब लिया। तो वी ए से वाह, वी आई से वी, वे डबल से वी, वे यू से वू, वे वी डब्ल्यू से वू, वी ई से वे, वी आई से वे, वी ओ से वो, वी ए यू से वह, वी एन से वन, वी ए से वह। अगर डब्ल्यू रहता तो बस डब्ल्यू होता, डब्ल्यू से व, डब्ल्यू ए से वाह, डब्ल्यू आई से वी, डब्ल्यू 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 से वी, डब्ल्यू यू से वू, डब्ल्यू ओ से वो, डब्ल्यू ई से वे, डब्ल्यू डब्ल्यू से वे, डब्ल्यू आई से वह, डब्ल्यू ओ से वो, डब्ल्यू ए यू से वह, डब्ल्यू एन से वन, डब्ल्यू ए से वह। यहाँ मैंने दोनों बोल दिया ताकि आप समझ सकें। अब देखिए इसको बोलते हैं तालाब्यश, तालाब्यश, क्या बोलते हैं तालाब्यश। श तो बोलते ही बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कि स बोलते, बस स कौन सा स नहीं पता है। कुछ लोग जानते, मतलब हिंदी वाले तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनके लिए सिर्फ, तो तालाब्यश है, तो तालाब्यश है, रिस लेकिन सब लोग तालाब, तालाब्यश बार बार बोलने से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो श, शा, शी, शी, शु, 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 शे, शे, शो, श, शन, श। इंग्लिश बहुत सेम है, एस एच एस के साथ एच लगाएंगे, एस एच स, एस एच आर श, एस एच आई सी, एस एच ई डबल सी, एस एच यू शू, एस एच डबल ओ शू, एस एच ई से, एस एच आई श, एस एच ओ शू, एस एच ए यू शो, एस ठीक है, एस एच यू शो, एस एच एन शन, एस एच एन शन, एस एच एच श। दोस्तों यहाँ देखिए एस एच ओ सो, एस एन, एस एच एन शन, एस एच एच श। तो ये दोस्तों ये हो गए य से तालाब्यश तक। इसके बाद भी देखिए ये 30 हो गया ना,
अब देखिए इस तलाबेशा को इसको मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य धन्य मूर्धन्य श, तो मूर्धन्य श नहीं बोलकर सिर्फ स बोलेंगे इसको भी, ताकि याद रहे। तो मूर्धन्य श है ये, याद रखिएगा। तो ये है श शा शी शु शु शे श शो श शन शन श। यहाँ भी उसी तरह ए आई डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ओ, उसके बाद देखिए ए यू ए एन और ए एच, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश क्या होगा, एकदम सेम तलाबे श वाला जो है एस एच भी होगा, एस एच श एस एच शाह एस एच आई सी एस एच डबल ई सी एस एच यू शू एस एच डबल ओ शू एस एच ई शे एस एच ए आई शे एस एच ओ शो एस एच यू शो एस एच एन सन एस एच एच श। अब देखिए दंत स, इसके बोलते हैं तो दंत स दंत स, स बोलेंगे श शा स, ऐसे बोलेंगे स शा सी सी सु सु से स सो स सन स। लिखेंगे कैसे दोस्तों, सिर्फ एस लिखेंगे, एस 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 आ एस आई से सी एस डबल से सी। यहाँ देखिए दो जगह तालाब श मूर्धन्य श में सच, जबकि दंत स में सिर्फ एस होगा। तो स एस एस आ एस आई सी एस डबल सी एस यू सू एस डबल ओ सू एस डी सी एस ए आई सै एस, जिस शाई बोलते हैं लोग शाई ऐसे लिखते हैं शाय शाई, तो क्या शाय हो गया एस ए शो एस ए यू शो एस एन शन एस ए श एस एच स, याद रखिएगा। अब देखिए तो ह होता है श को, ह हा ही हु हे है हो हो हन ह, स्पेलिंग क्या होगा एच मीन्स ह होता है, एच ए से हा एच आई से ही एच डबल से ही एच ए यू से हूँ एच डबल से हूँ एच से हा एच ए से हा एच आई से ही एच डबल से ही एच यू से हूँ एच डबल से हूँ एच ई से है एच ए आई से है एच ओ से हो एच ए यू से हो एच एन से हन एच ए से एच ए से ह। उसके बाद छ देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं अक्ष, क्षत्रिय वाला है ना अक्ष, अक्ष अच्छा इच्छी इच्छी इच्छु इच्छु इच्छे अच्छा इच्छाओ अक्षाओ अक्षन अक्ष। लिखेंगे क्या स्पेलिंग क्या है, तो ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको याद रखिए अच्छे से, के एस एच से अच्छा होता है, के एस एच से अच्छा होता है। तो एक्चुअली दोस्तों क और छ मिलकर ये जो है वर्ड बनता है अक्षर, ठीक है, ऐसे बनता है। तो खैर आपको सिर्फ के एस एच याद रखना होगा, तो के एस एच से के एस एच से छ के एस एच के एस एच ए से छा के एस एच आई से छी के एस एच आई के एस एच के एस एच डबल से छी के एस एच यू से छू के एस एच डबल ओ से छू के एस एच ई से छे के एस एच आई से छ के एस एच ओ से छो के एस एच ए यू से छ के एस एच एन से छन के एस एच ए से छ। अब देखिए दोस्तों इसके बाद त्र का देखते हैं, त्र त्रा त्रि त्रु त्रे सॉरी त्रु त्रु त्रे त्र त्रो त्र त्रं त्र। इंग्लिश कैसे हो, टी आर से त्र टी आर ए से ट्र टी आर ए से ट्री टी आर डबल से त्री ट्री, ठीक है त्री होगा ट्री नहीं त्री त्री, त्र त्रा त्रि त्रि त्रु त्रु त्रे त्र त्रो त्र त्रं त्र। जैसा हिंदी बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश में पढ़ेंगे, लिखेंगे अंतर लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे एक ही जैसा। अब दोस्तों अब देखिए लास्ट ज्ञा है, ज्ञा ज्ञा गी गी गु गु गे गय गो गौ गन ग। लिखेंगे कैसे दोस्तों, ज्ञा का जी वाई से ज्ञा लिखेंगे, इसको याद रखिए अच्छा को याद रखिए इसे याद रखिए, जी वाई से गया जी वाई से गया जी वाई से गया जी वाई आई से गी जी वाई डबल से गी जी वाई यू से गूँ जी वाई डबल से गी जी वाई ई से गे जी वाई आई से गए जी वाई ओ से गो जी वाई ए यू से गो जी वाई एन से गन जी वाई ए से ग। अब देखिए दोस्तों एक और याद है कि स्र स्र शा श्री श्री शु सु सु श्रे शो श्रन। एक और देखेंगे आप नीचे स्र, तो उसके पहले इंग्लिश लिख लेते हैं इसका, स्र एस एच आर से स्र एस एच आर ए से स्रा एस एच आर आई से श्री एस एच आर डबल से श्री एस एच आर यू से शुरू एस एच आर डबल से शुरू एस एच आर ई से श्रे एस एच आर ए आई से स्र एस एच आर ओ से सो एस एच आर ए यू से सो एस एच आर ए एन से श्रन। अब स्र का देखिए,
सिरा का हो जाएगा दोस्तों SHRH सिरा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्री लिखते हैं, मान लीजिए सभी क से ग तक में अगर आप मात्रा क्री उड़ाते हैं, इस तरह से उड़ाते हैं, या क में से लेके क्र से लेके ग तक में इस तरह से ग्र लिखते हैं, यानी क्र ख्र ग्र ग्र, तो बस आर इसको जोड़ना है, इसके लिए आर जोड़ देना है। या ऐसे भी लिखते हैं, ये भी ऊपर की मात्रा भी ऊपर की मात्रा लिखते हैं तो इसके लिए भी आर, बस सभी इंग्लिश के लेटर में आर को जोड़ देना है। जैसे कि क्री लिखना है के आर आई, क्री हो गया, आई जोड़ देना है, ठीक है। तो इसके लिए